नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान आजाद है, हम सब आजाद हैं, मैं आजाद हूँ, हम सब एक दूसरे की नजरों में आजाद हैं, पर शायद नजरियों में नहीं। क्या एक औरत के खुलेआम हंसने पर पाबंदी लगाने वाले आजाद हैं? क्या एक औरत को मर्दों का काम करने से रोकने वाले आजाद हैं? क्या एक बेबस औरत का पीछा करने वाले आजाद हैं? नहीं, ये सब गुलाम हैं गलत सोच के, जिसकी वजह से आज भी हमारे घर की औरतों की आजादी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और यही मानसिकता जन्म देती है बड़े अपराध को। टायर के निशान किसी ट्रक के लगते हैं। आसपास के किसी पिंड वाले ने कुछ देखा, कुछ बताया? नहीं जी, अभी आधे घंटे पहले मेरे को पिंड वालों का फोन आया, तो मैंने आपको खबर कर दी। इसका मतलब एक्सीडेंट करने वाला अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं रहना किसी ने जानबूझ के इस पर ट्रक चढ़ाया हो? रब नू याद कर, उसके साथ भी रब है। लेकिन जो निशानियां पीछे, आगे पीछे की चिंता मत कर। मैं हूं ना, मैं भी माँ हूं। दादाजी, ये देखो मैंने मम्मी की तस्वीर बनाई। देखूं? ना, ये तेरी माँ नहीं है। ला, मैं बताऊं। देखा, ये है तेरी माँ, जनानी मुछड़ वाली है। ये ना भूलो, इस कुनबे की मूछें जीत की वजह से बची हुई हैं, वरना शमशेर दे मरण दे बाद सब लुट जाना सी। मेरे कुलजीते दी ड्राइंग खराब ना करो। चल पुत्र, अंदर खाना खा ले। अंदर क्या है? फुल जा। कोई पूछे कि 5 दिन लेट क्यों हुआ तो बता देना जो मैंने कहा। माँ, माँ, माँ,
माँ, माँ। अरे मेरा पुत्र। ये मैंने पता था पराठों की खुशबू से तू जाग जाएगा। गर्मा गर्म पराठे। अरे गीत पुत्र, तू तो 5 दिन पहले आने वाली थी, कितने रह गई थी? वो झल्ला नंदू डिलीवरी के पेपर ही खो दिया। पटियाला चुंगी पे 5 दिन लग गए। बस ट्रकों को छुड़ाने में कस्टम वाले से देर हो गई। अरे पुत्र खा ले, गरम गरम है। हम लोग अपने घर में क्या इज्जत, कोई तो इज्जत होगी हमारी। कैसे लोग क्या बोले? हो गया ऐसे क्यों खड़े हो जैसे कोई धरना देने वाले हो? धरना ही समझो जी, एड्स दे मरीज नु बाहर निकालो, ये हमारे साथ काम नहीं कर सकता है जी। लो जी, सरकार रेडियो में टेलीविजन में ज्ञान दे देकर थक गए कि ये रोग छूने से ना फैलता। मारी अकल घुटने में ना है जी, अगर इसे काम से नहीं निकाला गया तो क्या? आप सब लोग कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं अपने पेट पर लात मारना चाहती हूँ ना ही सतिंदर के। हाँ किसी को यहाँ काम करके तकलीफ है तो वो अभी यहाँ से जा सकता है, लेकिन सतिंदर बलदेव ट्रांसपोर्ट छोड़कर नहीं जाएगा। लगता है इसकी पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। निकालो मुझे। जहाँ दिलो दिमाग पे, जा दिलो दिमाग पे खौफ का साया न हो, खौफ का साया न हो। जहाँ गर्व से उठे हो सर, जहाँ गर्व से उठे हो सर शर्म से झुके न हो, शर्म से झुके न हो। जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, सच्चाई की गूंज हो। जहाँ हर ख्याल आजाद हो, संयम हो, सद्विचार हो पर उन पर कपट की धूल न हो। जहाँ ज्ञान को, जहाँ ज्ञान को बंदिशों में बांधा न गया हो, जहाँ इंसानों को सरहदों में, सरहदों में बांटा न गया हो। हे प्रभु अब विश्व में ऐसे भारत का नव निर्माण हो, नव निर्माण हो। पैसे चुराए तुसी? तूने तेरी सास दे कान भरे? पैसे पेड़ ते नहीं उगदे, ए बेचारी दिन रात मेहनत करके कमांदी है और तानू मिंट नहीं लगदा उड़ान च। कोई तीर नहीं मारे है, मेरे बेटे दा जमा जमाया धंधा संभाल रही है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये सिर्फ नौकर है बलदेव ट्रांसपोर्ट की। बाबू जी मैं खुद को आप सबका नौकर ही मानती हूँ, लेकिन नौकर है तो मालिक क्यों बन रही है? अच्छा ये बता गोदाम में किसने छिपाया है? बोलना, लग गया ना जुबान पे ताला, लेकिन आज ये ताला टूटेगा, जुबान दा भी और गोदाम दा भी। शायद इन लोगों ने गायब कर दिया, यहाँ पक्का कोई था। यहाँ पर कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो ये जूठी प्लेटें कहाँ से आई? पता पता है थालियाँ यहाँ कहाँ से आई? ये जूठी प्लेटें हमारी है। नंदू कितनी बार कहा है तुझे खाना खाने के बाद प्लेटें धो दिया कर, पर तू एक ही बस। संदीप रुक, तूने किससे पूछकर गोदाम का ताला तोड़ा था? ज्यादा ताप नहीं दिखा, मैंने पता है यहाँ पे कोई था। ओए बात सुन, मैंने अकल के साथ साथ घुटने भी चलाने आते हैं और साथ में जुतियाँ भी। तू निकल यहाँ से और वहाँ जाके नौकरी करना जहाँ तुझे जासूसी के पैसे मिले। चलेगा यहाँ से?
थैंक्स हरप्रीत, तूने तो मेरी एन मौके पर मदद कर दी, वरना आज मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाती। लेकिन यार कहीं इस मुसीबत को अपने घर में छुपा के मैं फंस गया तो? ना ना, अरे मैं मुसीबत में फंस जावांगी पर तैनू नहीं फंसने दूंगी। ऐसी गल करके यार मैं शर्मिंदा ना कर, लेकिन ये कर क्या रही है तू? मैं सब कुछ बताऊंगी पर अभी फिलहाल किसी को कुछ मत बताना। जी, आप मेरा पीछा करने वाले थे ना? हाँ, अभी मैनू मालूम है तो कुछ गड़बड़ कर रही है। ये खाना किधर वास्ते ले जा रही थी? बाबूजी आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दो। तेरी सास तुझे बहुत महान समझती है ना, देखना एक दिन वो तैनू इस घर से निकालेगी। उंगली फुंकारे ओइल दी कुक। ओए नंदू, रेडी क्या? मम्मी मम्मी, बरनाला से मेरे लिए ये सब चीजें लेके आना। हाँ पुत्र जी, ले आऊंगी। पुत्र जी एले, टाइम भी खा लेना। पुत्र जी कोई परेशानी? नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है, चलती हूँ। चल पुत्र, अपना ध्यान रखना। नंदू ये रख दे। उस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हत्या का टाइम राती 2 बजे के आसपास, लेकिन सर जी विक्टिम की बॉडी पे कुछ इंजरीज और जले के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बॉडी पे पाए गए निशानों से यही लगता है राणा कि किसी ने इसे बांध के बहुत टॉर्चर किया है और ये अपनी जान बचाने के लिए हाईवे पे नंगे पैर कई किलोमीटर दौड़ी है, इसलिए इसके तलवे जख्मी थे। अब पता ये करना है कि भागते हुए हाईवे पे इसके साथ कोई एक्सीडेंट या हादसा हुआ या फिर इसे भगा भगा के ट्रक के नीचे कुचलना भी इसके टॉर्चर का हिस्सा था। सर जी मैंने एक्सीडेंट स्पॉट के पास वाले सभी एरिया में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो औरत को पहचानता है। पर राणा मैनू बहुत स्ट्रांगली लगता है कि इसको कुचलने वाला इसे जानता होगा। एक काम करो, हत्या के समय से सुबह तक हाईवे के दोनों तरफ के टोल बूथ क्रॉस करने वाले हर ट्रक हर लॉरी का डिटेल निकालो। अरे सुखविंदर, जरा एक प्याला गर्मा गर्म चाह पिला दे, अदरक वाली है। ऐथे मैं गीते दी फिकर च मरी जा रही हूं और तानू चाह दी पई हुई है। तुम जनानी नू तो टेंशन लेने की आदत है। अरे कहीं अटक गई होगी, अब उसके ट्रक में कोई बिजली का खंभा तो लगानी है जो फोन चार्ज कर लेगी। उसी मेरे नाल चाह पियो, सब अच्छा हो जाएगा।
तुसी मैनू तो समझा लोगे, पर उस कुलजीते नू किस तरह समझाओगे कि उसकी मां कित्थे है? सत श्री अकाल जी। हरप्रीत तू इत्थे की कर रहे? कुलजीते दे वास्ते जलेबी लाए सी। कुलजीते आ जा इधर आ, ये ले फड़। ना क्या गीत नहीं दिख रही? कुलजीते अंदर जा ते अपनी मम्मी नु फोन लगा। क्या गीत दा नंबर नहीं लग रहा? गीत दी फिकर असी कर लांगे, तू जा और मेहरबानी करके दोबारा ना आए। ले फड़। सत श्री अकाल। दार जी चाई जी उत्थे कोई है? मैंने खिड़की तो देखा, मैनू देख रहा सी। नहीं पुत्र जी उत्थे कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा चाई जी, उत्थे कोई सी। इस नंबर का ट्रक सिरसा बरनाला रोड पर सरदूलगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके सिरसा की तरफ तो गया, लेकिन सिरसा चुंगी नहीं पहुंचा। ये मतलब निकलता है कि ये ट्रक सिरसा और सरदूलगढ़ के बीच में कहीं पे खड़ा है। एक काम करो, सरदूलगढ़ बॉर्डर की फुटेज में इस ट्रक को आइडेंटिफाई करो। पता करो ये औरत कौन है, ये ट्रक किसका? जी जब पुलिस ने गीत का बैकग्राउंड चेक किया और इंक्वायरी शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, और इस खुलासे के तार उस अज्ञात महिला के शव से भी जुड़े थे जिसकी हत्या गीत के ट्रक से हुई थी। लेकिन क्या गीत का कनेक्शन इस केस में सिर्फ हिट एंड रन केस से ही था, या फिर राज कुछ और भी थे? सर जी, ये ट्रक मानसा के बलदेव ट्रांसपोर्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है, और इस औरत का नाम है गीत कौर। इसका पति शमशेर सिंह बलदेव ट्रांसपोर्ट का मालिक था, जो 8 महीने पहले गुजर गया। तब से बलदेव ट्रांसपोर्ट की कर्ता धरता ये गीत कौर ही है। सर जी, मानसा के पुलिस स्टेशन में गीत की सास सुखविंदर कौर ने 23 अगस्त को गीत की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की थी। मिसिंग कंप्लेंट? हाँ जी, रिपोर्ट के मुताबिक गीत कौर 20 अगस्त की रात को मानसा से बरनाला के लिए निकली थी, और उसके साथ उसका क्लीनर भी था, नाम है नंदू। पुत्र जी थोड़ा तक खा लो। जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुसी ऐथे बैठे चाय पींदे रहोगे या गीत दा कुछ पता भी करोगे? पुलिस नो खबर तो कर दी है, जब मिलेगी तो पुलिस आ जाएगी। सर जी, हमें नहीं पता ये कौन है। आप नहीं तो शायद गीत जानती हो। गीत? पर ये है कौन? 21 अगस्त की सुबह इस लड़की की लाश हमें सिरसा मानसा रोड पर मिली है। इस लड़की का एक्सीडेंट गीत के ट्रक से हुआ है, और शायद इसीलिए गीत फरार है। नहीं नहीं साहब जी, गीत ऐसी नहीं है। अगर कोई गीत की ट्रक के नीचे आ भी जाता ना, तो इसे अस्पताल पहुंचाती पहले, सड़क पर मरने के लिए छोड़ के नहीं भागती। वो बीजी अगर भागी नहीं तो गई कहां? और आपने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हुए ये बताया था कि वो मानसर से बरनाला की तरफ गई थी, तो फिर उसका ट्रक सिरसा की तरफ क्यों गया? वो सिरसा की तरफ गई? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर किस लिए? देखिए सर जी, अगर हमें गीत में छिपाना होता तो हम उसे मिसिंग की कंप्लेंट क्यों लिखाते? ओ बाबूजी, अगर हमें गीत में शक ना होता तो हम ये सर्च वारंट क्यों लेके आते? सर जी देखो जी, अगर गीत यहां आती है या आपको फोन करती है या किसी भी तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो हमसे छुपाने की गलती ना करना।
सास ससुर, रिश्तेदार, ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे ड्राइवर, सबके फोन सर्विलेंस पर डालो। मुझे लगता है गीत इनसे कभी ना कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन सर जी, मानसा पुलिस स्टेशन में मैंने गीत के बारे में पता किया तो वहाँ के एसआई सतपाल को गीत के पिंड वालों से गीत के बारे में मिली जुली राय मिली। कुछ उसे पसंद करते हैं, कुछ नापसंद। नापसंदगी की वजह? सर जी, उसके कंपनी में कई ड्राइवर थे, फिर भी जनानी होकर वो खुद ट्रक चलाती थी और कई कई दिन तक घर भी नहीं जाती थी। इस गीत के कॉल डिटेल निकालो, पता लगाने की कोशिश करो कि असल में ये औरत थी कैसी, और ये भी पता करने की कोशिश करो कि जिस औरत की लाश मिली थी वो कौन है और उसका गीत के साथ क्या कनेक्शन है। जी सर जी, मैंने गीत के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उसका फोन 20 अगस्त की रात सरदूलगढ़ हरियाणा बॉर्डर के पास एक्टिव था, जहां हमें उस औरत की लाश मिली थी। और उसी रात से गीत और क्लीनर नंदू दोनों के फोन बंद है सर जी। और जिस औरत की लाश मिली थी उसकी कोई पहचान हुई? अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आ रहा जो उसने पहचानता हो। गीत और नंदू, इनके कॉल डिटेल में ऐसा कोई मिला जो हमारे किसी काम आए? सर जी, गीत की पिछले दिनों उसी के पिंड के हरप्रीत सिंह दे नाल काफी बातचीत चल रही थी, देर रात में भी। लेकिन हरप्रीत का गीत के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। ये गीत और हरप्रीत का कोई अफेयर तो नहीं हो सकता है? सर जी, हरप्रीत गीत को शमशेर और गीत की शादी से पहले से जानता था। और सर जी, जब मैंने पिंड वालों से पता किया तो पता चला कि शमशेर के पेरेंट्स को हरप्रीत और गीत का मिलना जुलना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं रहना कि गीत हरप्रीत के घर छुपी बैठी हो? हरप्रीत जी, गीत अंदर है? गीत नहीं जी। चल देख लेते हैं, तलाशी लो घर की। कहाँ गीत? अरे बच्चे कहाँ से आ करेगा? सर मैंने नहीं पता गीत कितने, इन बच्चों को मेरे नाल छोड़कर पता नहीं कितने गायब हो गए सर। इसके बच्चे हैं? सर मैंने कुछ नहीं पता, हफ्ते भर पहले रात में गीत आई थी। गीत तू यहाँ इस वक्त? हरप्रीत मेरी एक मदद कर दे यार। पहले उसने बच्चों को अपने गोदाम में छुपा के रखा था, फिर मैंने चाबी देकर बोली कि इन्हें अपने घर ले आऊं। सर मना नहीं कर पाया सर। सर गीत ने मैनू बस इतना बोला कि वो इन बच्चों की मदद करना चाहती है और इन्हें जल्दी मेरे घर से ले जाएगी। इसे देखा कभी गीत के साथ? नहीं सर। देख हरप्रीत, अगर तेरी एक भी बात झूठ निकली ना, ना बोलने लायक बचेगा ना बैठने लायक। आगे गल समझ? लेके चलो अनु। चल लो बेटा, पी लो, लो खाओ। कबराना पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? माँ चाहिए मुझे। बड़े से पहचानती हो? मारी माँ खड़े से। ये तुम्हारी माँ है? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? माँ। बेटा इसे पहचानती हो? ये बंडे से। यही आंटी को यहाँ लेके आई थी? सर जी, ये लड़की तो हरियाणवी है, लगता है इसकी माँ भी हरियाणवी होगी। पता करो गीत का हरियाणा में कहाँ कहाँ आना जाना था। सर नहीं, सर मैंने नहीं जानता, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने शक हो गया था कि गीत ने किसी ने गोदाम में छिपा रखा है। कैसे शक हुआ आपको? वो संदीप ने
नंदू और गीत को बात करते हुए सुना था। संदीप कौन? ये सर, ये नंदू वही है ना जो गीत के साथ था? हाँ सर, एक नंबर का छठा बदमाश है, गीत ने सर पे चढ़ा रखा था उसको। कहाँ रहता नंदू? सर वैसे तो बिहार का रहने वाला है, लेकिन कहीं भी सो जाता है, ट्रक में, गोदाम में या ऑफिस की छत पर। अच्छा, ये गीत का हरियाणा आना जाना होता था? सर हरियाणा क्या, वो तो यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली सब जगह जाती थी। ये देखिए सर, ये रजिस्टर है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। सर जी, ठीक है जी, सत श्री अकाल। मैंने पता किया, कुछ साल पहले शमशेर को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। मतलब साफ है, शमशेर के बाद गीत ने शमशेर का बिजनेस संभाला, और ये बच्चे जरूर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे, और जब बच्चों की मां ने विरोध किया, गीत ने उस पर ट्रक चढ़ा दिया। नहीं साहब जी, हमारा शमशेर ऐसा नहीं था, और गीत भी। अगर गीत का ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो उन दो बच्चों को अनाथ करके अपने साथ क्यों लाई? वो हरप्रीत आपसे झूठ बोल रहा है, उसकी बुरी नजर थी मेरी गीत पे, और वो गीत को फंसाना चाहता है। और बीजी, अगर गीत सही है तो फरार क्यों है? फरार नहीं है साहब जी, कई बार रास्ते में ट्रक अटक जाता है। कुछ दिनों पहले ही पटियाला चुंगी पे 5 दिन तक ट्रक फंसा रहा। तारीख क्या थी तब? राणा, पता करो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो नहीं पकड़ा गया था? जी। सर जी, मैंने पटियाला चुंगी पे पता किया, उन डेट्स पे तो गीत का ट्रक पटियाला चुंगी पे गया ही नहीं, बल्कि उन 5 दिनों में गीत की फोन लोकेशन सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के मलोर गांव की थी, और 20 अगस्त की रात को भी उसकी फोन लोकेशन यही की थी सर जी। मतलब वो दो बच्चे और औरत मलोर गांव के ही हैं। सर, गीत का फोन अभी अभी ऑन हुआ है, सरदूलगढ़ बॉर्डर के पास हरियाणा के खुर्द गांव में। सर जी, खुर्द तो मलोर से 15 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। चलो। जल्दी ले। एक मिनट, ये मैं लूंगा। ओए, तो ये बोलती मैं लूंगा, फोन को खराब कर रहे हैं साहब। उसे गीत कहाँ है? कौन गीत साहब? जिसका फोन है तेरे पास। साहब ये फोन तो मैंने प्यार मिला सीगा। अच्छा, हाँ जी, कितने? चेक करो। चलो आओ साहब, इधर मिला जी साहब, इधर। आसपास का एरिया सर्च करो राणा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। पुलिस गीत को अभी तक एक फरार क्रिमिनल मानकर ढूंढ रही थी, लेकिन उसकी लाश मिलने के बाद इस केस का रुख ही बदल गया। गीत भी एक पीड़ित की तरह सामने आई है, लेकिन जिस औरत की लाश पुलिस को मिली थी, उसका गीत से क्या कनेक्शन था? आखिर गीत क्यों उसके बच्चों को अपने साथ लेकर गई थी, और गीत का हेल्पर नंदू अब कहाँ था? सर जी, अभी अभी गीत के क्लीनर नंदू का फोन ऑन हुआ है, लोकेशन जलंधर हाईवे के पास एक ढाबे की है। अपनी एक टीम भेजो वहां, क्विक। जी मनु मां चे दिया ते अरे पिन में ना कटवा दे मरी है करम जली, तू सुनो दे बच्चे अनाथ करने वाली दा, खुद दा बच्चा अनाथ हो गया। नहीं, साड़ी गीत ऐसी नहीं थी। सर जी,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गीत के सर पर किसी भारी पत्थर से वार किया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। सर जी, मैनू लगता है कि बारिश की वजह से वो आग बुझ गई। इसका मतलब ये हुआ राणा कि कोई ये चाहता था कि गीत की बॉडी आइडेंटिफाई ना हो, पर ऐसा कर कौन सकता है और इस नंदू की क्या भागीदारी हो सकती है? हाँ बलजीत, ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर जी, मल्लोर गांव के बाहर गीत का ट्रक मिला है, लेट्स गो। गीत का मलौर में आना जाना था राणा, मुझे लगता है ये ट्रक इस गांव में जरूर उसके जान पहचान वालों ने खड़ा किया होगा जिनके साथ वो ट्रैफिकिंग का कारोबार करती थी। राणा एक काम करो, आसपास के लोगों से पता करो किसने कुछ देखा। जी नहीं सर जी, किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा तो गांव चलते हैं, पता करते हैं उस औरत को और दो बच्चों को कोई जानता है कि नहीं। सर जी, मुझे लगता है पूरा पिंड मिलकर हमसे कुछ छुपा रहा है। पुत्र जी, दूध पी लो। कुछ तो शर्म करो, गीत नु मरे कुछ ही दिन होए और उस दी कमाई थी ऐयाशी कर रहे हो। तू मुझे सिखाएगी? दादाजी। यार। हाँ बेटा, यही गांव है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? हमें लेके चलोगी अपने घर? क्या हो बेटा, कौन सा घर है तुम्हारा? अम्मा, अम्मा, ये मेरा है। अम्मा। धर्म। क्या हो गया अम्मा? साहब जी, बेटा क्या लगते हैं तुम्हारे बापू? कौन बोल? नहीं नहीं साहब जी, बच्ची झूठ बोल रही है। तू ये राजा हरिश्चंद्र जी? अरे साहब जी, मेरी फरार मत। तू भी चलो आए साहब, चल। पति शमशेर हमारे गांव में शादी के लिए छोरियां सप्लाई करता था। शादी के लिए? हाँ साहब, वो हमारे और हमारे आसपास के गांव में छोरियां की बहुत कमी से, इस खातर शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए छोरियां खरीदनी पड़ती है। अब साहब, इतना पैसा देना सबके बस की बात तो नहीं है। तुम एक ही छोरी से दो दो तीन तीन भाई शादी करते हैं। हम तीनों भाइयों ने भी सपना को शमशेर से खरीदा था। शमशेर भाई जी की मौत के बाद गीत परजाई ने जब उनका कारोबार संभाला तब उन्हें शमशेर भाई का ये धंधे का पता चला। गीत परजाई जी ने वो काम करने से साफ मना कर दिया। उनको बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने तय कर लिया कि जो लड़कियां शमशेर भाई की वजह से मल्लोर में बेची गई है उन्हें कुछ भी करके छुड़ाएंगे और एक दिन हम मल्लोर पहुंचे। क्या कर रही है तू?
सारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा तनु, मैं हूं ना, संभाल इसे। ओए कौन है? धर्मशाला में रुके और उन्होंने सपना के घर का पता लगा लिया। परजाय जी ने सपना को भरोसा दिया कि वो उसे और उसके बच्चों को रात को ही अपने साथ लेके जाएंगे। चल भाई कौन है? आप लोग जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग जाइए, आप मेरे बच्चों को बचाइए, जाइए यहाँ से। हमने सपना के बच्चों को तो बचा लिया पर सपना को नहीं बचा पाया। फिर साहब एक दिन हमें पता चला कि वो उस शमशेर की लुगाई थी जो हमारे बच्चों को लेके गई। तो साहब इस मनसा में हम उसके गाँव गए पर हमने अपने बच्चों को ढूंढने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि उसने कहाँ छुपा के रखा। दादी चाय जी उत्ते कोई है, मैंने खिड़की तो देखा। एक दिन हमें पता चला कि गीत खुद हमारे गांव आ रही है। हम उस रात सपना को बचाने के लिए वापस मल्लोर गए। जय जी मैंने उनको चकमा दे दिया, चलो जल्दी से। चल चल चल। भाई साहब अब शारी ना करी। अरे उतरो नहीं तो काट के रख दूंगा। बहुत चर्ब जी ना तने, अब तो तने अपनी कलाड़ी बढ़ा के रखूंगा। अब तू तू तो आज गया। चल रुक जाओ, रुक जाओ, भाग जाओ तुम लोग। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भाग गया। छोरा तो भाग गया, वो हमने गीत के ट्रक से ना सपना को कुचल दिया। और मैं सोचा साहब कि ट्रक गीत का है, सके जो है वो गीत तो नंदू पे जाएगा। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि गीत शमशेर की बीवी है और वो ही सपना के बच्चों को अपने साथ लेकर गई है? उस साहब वो बलदेव जी तो थाने चलो, सब समझ में आ जाएगा। मैं जानता था कि शमशेर धर्म के जरिए मलोर में लड़कियां सप्लाई करने का काम करता था, इसलिए जब मुझे ये पता चला कि उस रात गीत और नंदू मलोर से वापस आए हैं और गीत अपने साथ दो बच्चों को उठा करके लाई थी, मैंने ये बात फौरन फोन करके धर्म को बता दी। मैं ये भी जानता था कि गीत और नंदू उस औरत को बचाने के लिए ज़रूर जाएंगे, इसलिए जैसे ही वो घर से निकले मैंने धर्म को फोन करके ये बात भी बता दी। एदा मतलब है तुसी जान बूझ के अपनी बहू की जान खतरे में डाली? क्योंकि मेरी बहू मेरे बेटे के कारोबार की मालकिन बन गई थी जो मुझे फूटी आग नहीं भा रहा था। बलदेव जी अब अपना बाकी का बुढ़ापा जेल में बिताना। जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो, जहाँ हर शब्द में सच्चाई की गूंज हो। आज हमारे देश को आजाद हुए 69 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा देश कई तरह की मानसिकताओं की गुलामी का बोझ ढो रहा है। अगर हमें सही मायनों में पूर्ण स्वराज चाहिए तो हमें अपने नजरियों पर लगी हुई बंदिशों को तोड़ना होगा, क्योंकि यही बंदिशें महिलाओं को पुरुषों के अहंकार का शिकार बनाती है। क्राइम पेट्रोल डायल 100 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आजादी की 70वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।
If you want to enjoy more crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.